बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं आपको सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में वेलकम करता हूं और उम्मीद करता हूं आप लोग सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम 6.4 हमने कंप्लीट की थी। आज जो हमारा टॉपिक है वो है 6.5 द इलिप्स। इलिप्स आपको पता है एलिप्टिकल शेप यानी बेजवी शेप जो होती है उसको बोलते हैं इलिप्स। अब इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो क्या होगी? एन इलिप्स इज अ कर्व इन अ प्लेन सराउंडिंग टू फोकल पॉइंट। फोकल पॉइंट मतलब जो फिक्स पॉइंट होते हैं, सच दैट सम ऑफ द डिस्टेंस टू द टू फोकल पॉइंट्स इज कॉन्स्टेंट फॉर एवरी पॉइंट ऑन द कर्व। मतलब उस कर्व पे कोई भी पॉइंट आप सपोज कर लें, उसका जो डिस्टेंस है दोनों फोकल पॉइंट से, उनका अगर सम लिया जाए तो वो हमेशा पूरे कर्व के लिए वो जो सम होगा वो सेम होगा। ठीक है जी, ये इसकी डायग्राम है। अब इसमें क्या क्या चीजें आप देख लीजिएगा। ये जो लाइन है, ये जो वर्टिसेस से पास कर रही है एक्स एक्सिस की लाइन, यहाँ पे उसको बोलते हैं मेजर एक्सिस। क्या बोलते हैं? मेजर एक्सिस। ये जो दूसरी लाइन है को वर्टिसेस से पास कर रही है वाई एक्सिस वाली, इसको बोलते हैं माइनर एक्सिस। ये जहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं उनको बोलते हैं सेंटर। ये दो फोकस पॉइंट हैं जिनका अभी जिक्र किया, फोकल पॉइंट्स। और ये वर्टिसेस हैं, वर्टेक्स है, वर्टेक्स है। यहाँ जहाँ पे जो एक्सिस है वो इलिप्स को इंटरसेक्ट कर रहा है वो वर्टेक्स, और ये दूसरे वाले को वर्टिसेस हैं। ये सारी की सारी डेफिनेशन अभी हम देखते हैं। पहली डेफिनेशन है वर्टिसेस, द पॉइंट ऑन द स्टैंडर्ड इलिप्स वेयर इट क्रॉस द मेजर एक्सिस। क्लियर होगी बात? मेजर एक्सिस को जहाँ पे इलिप्स कट करता है उसको बोलते हैं वर्टिसेस। को वर्टिसेस जहाँ पे माइनर एक्सिस को कट करता है, द पॉइंट ऑन द स्टैंडर्ड इलिप्स वेयर इट क्रॉस द माइनर एक्सिस। सेंटर, द मिड पॉइंट ऑफ लाइन ज्वाइनिंग वर्टिसेस और को वर्टिसेस। यानी मेजर एक्सिस, वर्टिसेस वाली लाइन या को वर्टिसेस वाली लाइन के मिड पॉइंट को बोलते हैं सेंटर। मेजर एक्सिस द लाइन ज्वाइनिंग द वर्टिसेस इज कॉल्ड मेजर एक्सिस, द लाइन ज्वाइनिंग द को वर्टिसेस इज कॉल्ड माइनर एक्सिस। ठीक है जी। लेटरा रेक्टा, द कॉर्ड परपेंडिकुलर टू मेजर एक्सिस पासिस थ्रू द फोसाई आर कॉल्ड लेटस रेक्टा। लेटरा रेक्टा यानी वो लाइन, जैसे हमने पैराबोला में पढ़ा था लेटस रेक्टम, सेम वही वाली चीज है लेकिन इसमें लेटस रेक्टम दो होंगे इसलिए इसको ये प्लूरल फॉर्म में लिखा हुआ है। यानी हर वो लाइन जो फोकस में से पास करे, दो फोसाई हैं इसके, तो दोनों फोकस में से पास करे और एक्सिस पर परपेंडिकुलर हो उसको बोलते हैं लेटरा रेक्टा। एसेंट्रिसिटी, द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट ऑन द इलिप्स फ्रॉम फोकस टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स। ये तो हमने पहले भी डेफिनेशन पढ़ी है। रेशो होती है फोकस से किसी पॉइंट की और उस पॉइंट से डी टी एक्स जो लाइन होती है वहां तक की जो रेशो होती है उसको बोलते हैं सेंट्रिसिटी। मेन फैक्ट्स अबाउट स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इलिप्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ये आपको पता होनी चाहिए। इक्वेशन क्या होती है इलिप्स की? एक्स स्केयर ओवर ए स्केयर प्लस वाई स्केयर ओवर बी स्केयर इज इक्वल टू वन, वेयर ए इज ग्रेटर देन बी। यानी एक्स के नीचे अगर बड़ी वैल्यू होगी तो मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस पे होगा, वाई के नीचे अगर बड़ी वैल्यू होगी तो मेजर एक्सिस वाई के नीचे होगा। इसी तरह दूसरी इक्वेशन वाई स्केयर ओवर ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर ओवर बी स्केयर, अब बड़ी वैल्यू ए वाई के नीचे आ गई तो मेजर एक्सिस वाई पे आ जाएगा। इसके फोसाई यानी फोकस क्या होंगे? प्लस माइनस सी कोमा जीरो और सी स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर माइनस बी स्केयर, फॉर्मूला है जीरो प्लस माइनस सी। यानी ये सारे का सारा काम अब वाई पे हो रहा है, इधर सारे का सारा काम एक्स एक्सिस पे हो रहा है। सी स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर माइनस बी स्केयर। जो इसेंट्रिसिटी है इसकी हमने पहले भी बात की थी, जो पैराबोला है वन, जो इलिप्स है वो लेस देन वन यानी जीरो और वन के दरमियान, और जो हाइपरबोला है वो ग्रेटर देन वन। ठीक है जी, तो सेंट्रिसिटी सेम है। वर्टिसेस जो है प्लस माइनस ए कोमा जीरो, को वर्टिसेस जीरो प्लस माइनस और उसके दूसरी वाली के जीरो प्लस माइनस ए, वाई पे आ गए। इसके को वर्टिसेस जीरो प्लस माइनस बी, क्योंकि ये इधर से को वर्टिसेस वाई पे हैं और इधर से को वर्टिसेस एक्स पे हैं।
स्टैंड जो सेंटर है वो स्टैंडर्ड इलिप्स का हमेशा 0-0 होगा, यानी ओरिजिन होगा। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a, और इधर भी 2a क्योंकि यहाँ पे मेजर एक्सिस 2a है, चाहे y पे आ जाए या x पे आ जाए। इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस y इज इक्वल टू 0, क्यों? क्योंकि इसमें काम कहाँ पे हो रहा है, x एक्सिस पे, तो इसलिए y 0 है। यहाँ पे काम y एक्सिस पे हो रहा है इसलिए x 0 है। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2b, उधर भी 2b। इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस x इज इक्वल टू 0, उधर y इज इक्वल टू 0। सेम उस तरह जैसे यहाँ पे मेजर में y 0 था, यहाँ पे माइनर में x 0 है। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, ये याद रखना है, बड़ी दफा एमसीक्यू में आया हुआ है, 2b² / a, 2b² / a। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स यानी dtx लाइन, x इज इक्वल टू +c/e² या y इज इक्वल टू +c/e², और ये इसका जो ग्राफ है वो x एक्सिस पे बनेगा, यानी मेजर एक्सिस x एक्सिस पे और इसमें मेजर एक्सिस y एक्सिस पे होंगे। क्लियर है? अगर ये टेबल आपको याद हो गया तो बिल्कुल इजीली आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। बिल्कुल यही वाले आपने चीजें यहाँ से लेनी है और क्वेश्चन के हिसाब से ये चीजें पुट करते जाने हैं क्वेश्चन में। अब इसमें एक दो जो मेजर पॉइंट है, द सम ऑफ द फोकल डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट ऑन द इलिप्स, यानी जैसे अभी हमने बात की थी कि डिस्टेंसेस का जो सम है वो हमेशा सेम रहता है, और वो सेम किसके इक्वल होता है, 2a। a जो है वो पॉइंट है एक, जो वर्टिसेस का पॉइंट है, क्लियर है ना। उसकी जो लेंथ है उसको अगर डबल कर लें तो वो क्या बनेगा, जो डिस्टेंस है फोकल डिस्टेंसेस उनका जो सम हमेशा 2a के इक्वल आ जाएगा। द डिस्टेंस बिटवीन फोसाई इज 2c, यानी फोकस के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हमेशा 2c से। और लास्ट पे चेंज ऑफ सेंटर फ्रॉम 0-0 to hk, यानी अगर 0-0 सेंटर है तो फिर तो सिंपल है, x/a² + y/b² = 1। अब यहाँ पे आ जाएगा x-h² / a² + y-k² / b² आएगा नीचे = 1, या x-h² a² / h² + y-k² / b² यहाँ पे बी स्केयर आएगा, यहाँ पे बाकी ठीक है, यहाँ पे बी स्केयर आना है, एच की जगह बी आएगा। तो ये वो इलिप्स बन गई जिसका सेंटर ओरिजिन पे नहीं है। क्लियर है जी? ये लो, आप लोग ये चीजें अच्छी तरह देख लीजिएगा, इसके बाद इंशाल्लाह एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।